तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम में ये लाइन दे रखी है, अपन को ये लाइन दे रखी है, ये इंटरसेक्ट करती है ट्राइटेंगल एट पी और उसका लोकस ये दे रखा है, तो अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को देखें तो ये लाइन पास करती है 5.2 से और ये लाइन पास करती है 3.-4 से। और मतलब मान लो यहाँ से ये लाइन पास करी, उधर से ये लाइन पास करी, इंटरसेक्ट करी है 90 डिग्री पर, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे सर्कल पास करेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की x-5 x-3 प्लस y-2 y+4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करता है तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है दिस, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, और इसका इसके साथ कंपेयर करो तो तुम्हारे पास जो जी की वैल्यू -8 आ गई और एफ की वैल्यू 2 आ गई। तो मॉड्यूलस ऑफ एफ प्लस जी की वैल्यू देखे तो यहाँ पर 2 and -8 तो 6 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ पी बताना है जो कि इस सर्कल के इनसाइड लाई करते हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो इस इक्वेशन पे ध्यान देता है, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि tan²x - cot²x का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 times sin²y। तो ये वाली जो क्वान्टिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4 है और ये वाली क्वान्टिटी ऑलवेज लेस देन 4 होगी। तो दोनों की वैल्यू मतलब इसको होने के लिए तो क्या होना पड़ेगा, 10^4x = 1 tan x^4 = 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 10x की वैल्यू यहाँ पे अपने पास +-1 आ गई, और इधर क्या होना पड़ेगा जो साइन वाई है उसकी वैल्यू +-1 होना पड़ेगा। तो अपने पास लेकिन इस सर्कल के इनसाइड है तो जो एक्स है वो इससे इसके बीच में लाया करेगा और जो वाई है वो भी इससे इसके बीच में लाया करेगा। तो अपन यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू देखे तो अपने पास +-π/4 आ रही है जो कि इस रेंज के अंदर होगी, एंड +-3π/4 आ रही है, तो 4 वैल्यू आ रही है। और वाई की वैल्यू देखे तो +-π/2 आ रही है जो अपने इस रेंज के अंदर होगी अगर यहाँ पे अपन देखे तो, क्योंकि अगर तुम साइन का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो अपन को चाहिए 1 और -1, तो उसके लिए देखे तो एक तो यहाँ पर -π/2 पर आ रहा है और एक π/2 पर आ रहा है, बाकी उसके अलावा इधर ये पाई हो जाएगा, इधर -π, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है जो कि 3 से क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये दो चीज आई, तो अपने पास x की तो 4 वैल्यूज आई एंड y की 2 वैल्यूज आई। तो अपने पास टोटल x को y के पेयर कितने बना सकता है, 8, क्योंकि 4x की वैल्यूज के साथ 1y की वैल्यू एंड फिर इन्हीं 4x की वैल्यू उसके साथ दूसरी y की वैल्यू, तो टोटल 4+4 8 पेयर अपने पास बन जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास फैमिली ऑफ सर्कल दे रखी है और ये फिक्स पॉइंट a, b से पास, a एंड b से पास करती है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बताना है। तो सम तो इसको देखते हैं पहले सर्कल को, यहाँ पर ये है तो ये s+λl = 0 टाइप का है। तो सबसे पहले ये किसके, इन दोनों, ये एक तो ये वाली क्वांटिटी और अपने ये वाली क्वांटिटी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो यहाँ पर y = 0 रख देता है तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, दिस। तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर कर लेता है, तो यहाँ पे होगा x(x-4) + 2 times x-4 = 0। यहाँ पर x की वैल्यू -2 and 4 आ गई, तो अपने पास जो पॉइंट है वो क्या है, 1 - 2, 0 and 4, 0, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास फोर्थ प्रॉब्लम है, ये अपन को कर्व दे रखा है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है एट a, b, a, b को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है वो पास करता है ओरिजिन से, तो k² की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इस लाइन को देखता है, तो सबसे पहले इसका होमोजेनाइजिंग करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा लाइन को, और यहाँ पर होमोजेनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर इसका ऐसे करना पड़ेगा, तो ये अपने पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये है जो पेयर ऑफ लाइंस है, ये अपने पास एक लाइन है ओ ए और ये अपने पास एक लाइन है ओ बी जो कि इससे आएगी, और यहाँ पर ये ए कोमा, ये ए एंड बी है जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है, और इसको डायमीटर मान के जो सर्कल अपन ने खींचा है
वो पास करता ओरिजिन से, अगर ये सर्कल ये ओरिजिन से पास करता है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो बेसिकली 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर ये जो क्या होना चाहिए, ये जो अपने पास कर्व बना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, अगर तुमने इसको ध्यान से देखा होगा तो मतलब ये जो कर्व है 0, -0, अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दें तो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, तो ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, तो 3y² = 1, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√3 आएगा, तो यहाँ पर 1/√3 आ रहा है अपने पास। तो बेसिकली इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, यहाँ पर y = -1/√3 दो पॉइंट आ रहा है, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आपने होमोजेनाइजेशन में पढ़ा होगा, आपको कोई कर्व दे रखा है उसमें लाइन होती है फ्री लाइन का, अपन जब ये ऐसे करते हैं होमोजेनाइजेशन तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली, यहाँ पर ये ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला पेयर आता है जो O, A एंड O, B, ये जो पेयर आया है यहाँ पर, ये वही पेयर है जो अपन ने यहाँ पे अभी निकाला है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो कोफिशियंट्स है इसमें अगर ये 90 डिग्री का एंगल है इन लाइन के बीच में, जो कोफिशियंट ऑफ X² + कोफिशियंट ऑफ Y² को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोफिशियंट ऑफ X² एंड कोफिशियंट को Y² को 0 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये आएगा, तो यहाँ से K² निकालेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, ये अपन को कोई कर्व दे रखा था और ये लाइन दे रखा था जो इसको A, B पर इंटरसेक्ट करता है, ये कर्व है, ये A, B पर इसको इंटरसेक्ट करता है, और जो इसको डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ किया था वो ओरिजिन से पास कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन की इक्वेशन बनेगी इस ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पहले तो इसका होमोजेनाइजेशन करने पर अपने पास ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आई, और अभी इसके परपेंडिकुलर होने के लिए कोफिशियंट ऑफ X² एंड कोफिशियंट ऑफ Y² को 0 होना पड़ेगा, जिससे अपने पास K² की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पर अपन को सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट बताना है जो कि इन दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट हो। यहाँ पर अगर अपन सर्कल को ड्रॉ करें तो फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन है अपने पास X² + Y² = 1, और सेकंड वाले का सेंटर देखे तो 6, 0 है, तो यहाँ पर ही अपने पास 6, 0 आ जाएगा, और रेडियस 2 ही है, मतलब ये थोड़ा बड़ा सर्कल आएगा यहाँ पर क्योंकि इसकी रेडियस 2 है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक जो कॉमन टेंजेंट है वो इस तरीके का आएगा और एक इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें और एक इस तरीके का इंटरनल टेंजेंट आएगा, जो मतलब यहीं पे कट करेगा, तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो सिमेट्रिक है, जितना ये पॉजिटिव आएगा उतना ये नेगेटिव आएगा, तो वो सम जीरो हो जाएगा, सारी स्लोप्स का जो सम होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है जो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन निकालने की वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक है, इसलिए जो सम ऑफ स्लोप्स ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको।